何お前はもう死んでいる。 हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट की बिल्कुल न्यू सीरीज़ बिल्कुल सिंगल प्लेट से स्टार्ट करेंगे ए टू जेड एकदम नया वर्ड बनाएंगे सर्वाइवल में नया वर्ड बना लेते हैं पहले एकदम बढ़िया वाला मिस्टर केमर जे आर के आ गया सो so यहाँ पे अपने अपना वर्ड बना दिया और हम अपनी बोनस चेस्ट ऑन कर लेते हैं यहाँ पे सो so गाइज बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम माइनक्राफ्ट खेलेंगे बिल्कुल जीरो से मतलब थोड़ा बहुत गेम की नॉलेज है मेरे को लेकिन मैं आपको साथ साथ बिल्कुल हर चीज़ बताता रहूँगा और यहाँ ओ माइक गॉड ग्राफिक्स तो गाइज मैंने यहाँ पे शेडर्स पैक भी इंस्टॉल करे हैं ओके ओके हमारी चेस्ट कहाँ गई यहाँ पे चेस्ट तो मिलनी चाहिए थी यार यहाँ आस पास कहीं वाह भाई चेस्ट कहाँ अपनी थोड़ी तो ऊपर जगह पे जाके देखते हैं सो so गाइज मेरे को यहाँ पे बोनस चेस्ट नहीं मिल रही पता नहीं कहाँ गई कोई बात नहीं oh मिली गाइज मिल गई हमें बोनस चेस्ट दिख रही है मेरे को यहाँ से थोड़ा दूर स्पॉन हुई है और हमारा वर्ल्ड मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक सही है कुछ खास नहीं ठीक है अपने चेस्ट में मिला है बहुत सारी चीजें टपा लेते हैं फटाफट से सो so गाइज आप भी मेरे साथ माइंड की सीरीज चालू कर सकते हैं मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा जो जो मेरे को मतलब समझ आती रही कि काफी बार मैंने खेला तो है लेकिन अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आया मैंने ऐसा सुना है नए वर्जन में इसको उखाड़ लेते हैं यहाँ से ओके okay, मतलब सारी चीज आप यहाँ से उखाड़ सकते हो ये पूरा आपका वर्ल्ड है आप जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं आप अपने वर्ल्ड के साथ ओके okay, यहाँ पे हमने टॉर्चेस निकाल लिया और ये ले लेते हैं वुडन पिकेक्स सो हमारा डे वन है यहाँ पे तो हमें सर्वाइवल करने के लिए चाहिए हमें एक बेड चाहिए जिससे हम सो सके और उसके बाद

हमने तीन वो ले लिए और आठ है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सामने की तरफ बनाए घर और मैंने ज़्यादातर सुना है बंदे कि जहाँ पे स्पॉन होते हैं वहीं पे बनाना चाहिए लेकिन मैं तो बहुत घटिया जगह पे स्पॉन हुआ हूँ कोई बात नहीं हम अपना घर यहाँ पे बनाएंगे और जो घर बनाएंगे उसकी कोऑर्डिनेशन है ना उसको हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने फोन से फोटो खींच लेंगे उसकी यहाँ पे मेरे को सही सा लग रहा है काफी जगह अच्छी है थोड़ा घास क्लियर कर लेते हैं यहाँ से सो अगर आप एक बार गेम ये शुरू कर दोगे ना भाई आप दुनिया की सारी गेम भूल जाओगे ऐसी गेम है ये ज्यादातर बंदों को समझ नहीं आती वो सोचा क्या घटिया गेम है बेकार ग्राफिक्स वाली लेकिन एक बार आ गई ना गाय समझ मजा आ जाएगा ठीक है इतना बड़ा घर है हम बनाएंगे नहीं अभी के लिए तो केवी बनाना पड़ेगा हमें यहाँ से बेड बनाने के लिए हमें पहले चाहिए क्राफ्टिंग टेबल तो यहाँ पे देख लेते हम क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनेगी भाई कौन आ गया बाहर तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो बेड कैसे बनेगा देखते हैं एक मिनट ठीक है अब यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़े से टॉर्चेस एक टॉर्च बहुत रहेगा तो हमें एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी और अपनी चेस्ट लगा लेते हैं हम यहाँ पे तो हमें एक क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग टेबल चाहिए भाई खुल जा तो लगाते तो रह जाओ हाँ ठीक है अब सारा जो बाकी वाला सामान है वो यहाँ पर रख देते हैं ओके हमारे पास एक पिकैक्स है इस पत्थर को हम तोड़ सकते हैं और यहाँ पे हमने वुडन प्लैंक्स निकाले और ये मिल गई हमें चार वुडन प्लैंक्स से ओक प्लैंक्स से और ये मिले हमें क्राफ्टिंग टेबल सो हम क्राफ्टिंग टेबल अपने यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कहीं होगा बेड भी कहीं ये रहा देखो सही लगा रहा था पता नहीं फिर भी क्यों गलत बता रहा है सो यहाँ पे अपना बेड बन चुका है अगर आपको शीप ना मिले तो फटाफट से एक विलेज ढूंढ लेना रात होने तक ओके okay, हम बेड अपना यहाँ पे लगा लेते हैं सो so सुबह अपना घर बन चुका है यहाँ पे कुछ खास तो अभी है नहीं लेकिन सर्वाइवर करने के लिए बहुत तगड़ा है देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मस्त वाला है। और यहाँ पे हम वापस से डट लगा देते हैं यहाँ पे ओ हो 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 अबे ज़ोंबी अड़ जा जोम्बी का बच्चा था भाई ये छोटा सा पता नहीं कहाँ से दौड़ के आ गया एकदम डरा दिया पहला जोम्बी हमने मारा एक जोम्बी का बच्चा वाह क्या शुरुआत हुई है ठीक है अच्छा लग रहा है हमारा घर ठीक है गाइस हमने अपना घर बना लिया है देख सकते हैं अभी के लिए तो ठीक ही है मतलब अपना कुछ खास नहीं है लेकिन धीरे धीरे हम इसमें चेंजेस करेंगे अभी तो बहुत है भाई गाइज इतना छोटा सा गेम थोड़ी ना है अभी बहुत लंबा गेम है गाइज ये और हम थोड़ा आस पास एक्सप्लोर करने से पहले आपको दबाना है अगर आप पीसी वाले वर्जन में तो आप एफ थ्री दबा के ये जो ओ रुक जा कहा से आ रहे हैं जॉम्बी के बच्चे अबे भाई हट जा ओह भाई साहब खाना हमें रॉ ही खाना खाना पड़ा क्योंकि हमारे पास अभी फर्नेस नहीं है खाना पकाने के लिए फर्नेस चाहिए और अगर रॉ खाना खाओगे बिल्कुल कच्चा तो ज़्यादा हेल्थ नहीं बढ़ती नहीं तो अभी एक ही बारी में चार बार मतलब हेल्थ बढ़ जाती है हमारी मतलब खाने का जो नीचे मीट वाला बना आ रहा है वो बन भाई साहब यहाँ कुछ गड़बड़ तो है रुक जब ऊपर चले जाता हूँ यहाँ पे ये जो कॉर्डिनेट है ना इसको मैं फोटो खींच लेता हूँ ताकि घर हम अभी कभी भी अपना भूले ना ओके हमने अपनी फ़ोटो खींच ली फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर दे सकते हो किसी जगह पे तो यहाँ पे हमें बनाना एक गेट ओके okay, गेट ये रहा, तीन गेट बना लिए और यहाँ पे लगाते थे एक गेट यहाँ पे गाय हमने गेट लगा दिया है, इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं, इसको खोल देते हैं यहाँ से ओहो हो हमारा प्यारा छोटा सा घर नन्नुसा मुन्नुसा बहुत मनुष्य तो हमारे पास अभी खाने की कमी है देखा जाए तो और हमें फर्नेस बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे शाम हो रही है ज्यादा ओ क्या वे! इसे कहते हैं एंडरमैन और इससे बचना चाहिए हमें अभी के लिए हमारे पास कुछ भी इसकी आंखों में देखता ही हमारे पास ऊपर अटैक कर देता है टेक्नो गेमर से तो कह रहा था ये कौन मजदूर है <laughs> सीरियसली मैं मतलब जो नया बंदा है उसको अजीब से अजीब लगेगा लेकिन थोड़ा जिसने खेल रखा है उसको तो मजा ही आ जाएगा कि और एंडरमैन से हम बच गए दिक्कत नहीं है और यहाँ पे हमें एक बनाना है फर्नेस उसके लिए चाहिए हमें कॉबल स्टोन कोबल स्टोन ओके ये वाले कोबल स्टोन होते है जो कॉमन है तो यहाँ से हम खोदते हैं थोड़ा सा गाइस यहाँ पे हमें क्या मिला देखिए गाइस ये है आयरन ओहो गेम की स्टार्टिंग में ही हमें आयरन नहीं, नहीं नहीं इसे खोदेंगे नहीं हम अभी पहले हम अपना काम कर लेते हैं पहले फर्नेंस चाहिए हमें फटाफट से तो कितने कोबल हुए हमारे पास छह हो गए दो और चाहिए ए फ्यू मोमेंट्स लाइट है नो हो गए वेरी गुड चलो बना लेते फर्नेस अपना ओके यहाँ पे पुट कर देते हैं अपना फर्नेस और फर्नेस में हमें जलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए इसके लिए हमें कोल चाहिए ठीक है लेकिन अभी कोल तो है नहीं क्या कर सकते हैं तो पहले तो हम एक बनाते हैं स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की पिकचैक्स बनाने के लिए तीन चाहिए और लकड़ी तो है हमारे पास वुडन से खोद देते हैं ये ओके तो आप ऊपर चल के देखते हैं कि रात कैसी मतलब थोड़ा नज़ारा मार के आता था ओहो रात में बिल्कुल भी गाइस आपको बाहर नहीं निकलना है स्टार्टिंग के लिए तो ओके वहाँ पे बंदा दिख गया मेरे को केकड़ा वाला केकड़ा नहीं हड्डी वाला बंदा क्या कहते हैं उसे आ, स्केलेटन वाला तो यहाँ पे हम सो जाते हैं ये कैसी आवाज़ है भाई मैंने तो नहीं सुनी कभी पहले ठीक है यहाँ पे सुबह हो चुकी है मैं देख के आता हूँ ओ भाई साहब बंदा बाहरी है आ जा आ जा आ जा अंदर नहीं घुस पाएगा गाय जी तो अंदर नहीं आ सकता मर गया जो मर जाए तो उसके सामान ज़रूर से उठाना मिला हड्डी हड्डी से हम एक कुत्ता टेम कर सकते हैं और और क्या बना सकते हैं मैं भूल गया आ, उसे क्या कहते हैं बॉन्ड मिल बना सकते हैं जिससे हम क्रॉप को और जल्दी उगा सकते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा और कॉबल स्टोन कॉबल स्टोन तो अनलिमिटेड कह है सकते हो आप लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है इधर ज़्यादा यही मिल रहा है क्या कहते हैं एंड साइन और डिट्रॉड ज़्यादा मिल रहा है मेरे को कर्वल की जगह लेकिन खैर में ही जाएगा ओके क्या है ये अब यार गुफा शिट मैन यहाँ पर गुफा कैसे हो सकती है एकदम ही पहले एक टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे गुफा मिली मेरे को एक तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मॉन्स्टर वगैरह पक्का आएंगे मेरे को लग रहा है ऐसा ओ हो आवाज आवाज आई कृपी आवाज़ कोई बात नहीं ओके हमारे पास कितने चार ही है अभी तक मेरे को स्पाइडर की आवाज़ आ रही है सामने से ओके okay, यहाँ पे आयरन है लेकिन पहले हमें बनाना पड़ेगा एक स्टोन वाला तो तीन चाहिए और ये चाहिए हमने चेस्ट में रखा तो इसको निकाल लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल हाँ हमने बना लिया और एक तलवार भी बना लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं अब हम आयरन पिकेक्स भी बना सकते हैं इससे ओके बहुत सारा आयरन मिला बहुत ज़्यादा आयरन लेकिन कोल चाहिए हमें पहले कोल चाहिए यहाँ पे ओके ये गलत जगह खुद गई वैसे कोई बात नहीं अपना घर में ही है अभी तक तो हम ओहो बहुत सारा आयरन जो गिर रहा है ना ये ग्रे वाले इससे बच के रहना गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है थोड़ा ऐसे दिखता है मिट्टी का टाइप मतलब इसके मतलब ग्रेविटी इसके ऊपर काम करती है अच्छे से और स्टोन्स पे ब्लॉक्स पे नहीं करती लेकिन ये गिर जाता है एकदम से और हमें बाहर जाना पड़ेगा कोल ढूंढने के लिए कोल वैसे अंदर भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं गुफा में लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर ही घूम के आता है तो ओके यहाँ पे मेरे को याद कैसे रहेगा थोड़ा मेरे को याद रखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं एक लंबा सा टावर टाइप बना देता हूँ आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा ठीक है दो 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 बना के चलेंगे हम साथ में ताकि एक से हम वापस भी आ सके क्योंकि गिरने पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी आर्मर नहीं है यहाँ पे ठीक है इतना बड़ा तो शायद देख ही जाएगा दूर से फिर भी बना लेते क्या जा रहा है डट तो भरा पड़ा है कचरा बिल्कुल कि हमें ये दिख जाएगा दूर से तो हम आस घूम के आते थोड़ा तलवार ले लेते हाथ में तलवार बनाई थी हमने स्टोन की तो हम थोड़ा देख के आते आसपास आसमान यहाँ पे घर है ठीक है उधर की साइड जाना चाहूंगा उस भेड़ को मारना चाहूंगा कि यहाँ पे भी एक केव है मैं बिल्कुल भी नहीं अंदर जाऊंगा मर 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 के हमें थोड़ा सा और वूल मिला और मेरे को चाहिए पिगी थोड़े उससे मीट मिलेगा मेरे को ओहो यहाँ पे ऑक्टोपस दिख रहा है ना ऑक्टोपस ही कहता है ओ अरे पिगी मिलेगा इस मेरे को यहाँ पे थोड़े से पिगी मारेंगे लेकिन मारने का भी फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे पास कोल नहीं है अभी फर्नेस चलाने के लिए तो मैंने सुना है कि लावा से भी मतलब हो जाता है मतलब सुना है क्या मैंने पता ही है मेरे को लेकिन उस लावा कैरी करने के लिए हमें बाल्टी चाहिए और वो क्या क्या है यहाँ पे ये अजीब सी आवाज़ किसकी है इनकी किया, किया चाहो अभी के लिए तो मतलब बहुत है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्टिंग है ये है कि आप घर ना बोल जाओ कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो वैसे तो लेकिन आ, मेरे घर तो मतलब ऐसे टावर सा बना दिया मैंने ताकि दिख जाए दूर से मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ दिखाओगे सुंदर बनाने की स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं है घर भर थोड़ी मतलब ऐसा होना चाहिए कि दूर से दिख जाए वैसे दिखने में देखो कितना बेकार लगा लेकिन काम आया के अंदर चलते हैं यहाँ पे हमें कोल पक्का से मिलेगा ऐसा लग रहा है तो थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं यहाँ पे कोल से बहुत सारी चीजें हो सकती है आयरन जो मिल रहा है ना इसको भी हमें इन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम कोल का अच्छे मतलब आयरन का यूज कर पाएंगे अच्छे से आयरन बहुत सारा मिल रहा है इस हमें लेकिन कोल नहीं मिल पा रहा ठीक है हमारा हथौड़ा टूटने वाला है इससे पहले हम ऊपर चल लेते हैं हथौड़ा हाँ दूसरा बनाना मतलब पिकैक्स कहते हैं हथौड़ा हाँ क्यों कह रहा हूँ मैं अजीब है तो हमें पिकैक्स दूसरा बनाना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को छः सात एक साथ ही बना नहीं छः सात तो नहीं दो से तीन बना लेते स्टोन के बाद में हम आयरन आयरन के बना लेंगे ओके इसको गेट बंद करो पहले ये रास्ता तो थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक बना लेते हैं पहले एक और बना लेते हैं ठीक है अभी के लिए दो बहुत है हमारे लिए सो so, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पहाड़ों पे जाऊँगा तो वहाँ पे मिल जाता है इसी ऊपर ही लेकिन जब हमने इतना खोद ही लिया तो चलते हैं इधर ही वापस माला माल हो गया हमारा आयरन से तो लेकिन कोल नहीं मिल रहा कोल भैया कांच अरे हाँ वहाँ पे एक केव भी तो थी केव में भी तो जा सकते हैं उस केव में केव थी हाँ इस केव में आराम से मिल जाता है हमें मतलब खोदना नहीं पड़ेगा खाने का तो यहाँ से वापस ऊपर चढ़ जाते हैं सो गाइस यहाँ पे रात हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए अंदर ही जाते हैं मेरे को नहीं लग रहा मेरे को रात को केव में जाना चाहिए अभी के लिए जाके सो जाते हैं चार पाँच हजार एडवांसमेंट मिल गई यहाँ पे पहले दिन ही ये दूसरा दिन हो गया ओके क्या सुबह है वाह कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे पिगी दिख रहा है लेकिन हमें नहीं मारना अभी हमारे पास बहुत सारा खाना पड़ा है बस पकाने की जरूरत है हमें उसे ठीक है थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं यहाँ पे हम केव कहाँ देखी थी मैंने ओ गए यहाँ पे हमें बहुत सारा कोल मिला है असम ये रहा कोल कोल कुछ ऐसा दिखता है आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम बना सकते हैं अपना खाना और एक बाल्टी बनाएंगे जिससे हमें कोल की ज़रूरत क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोल की कमी लग रही है और सैंड भी आप देख सकते हो ऐसे नीचे गिर जाती है काफ़ी ज़्यादा कोल मिल गया हमें फटाफट से खोद देते हैं सारा सो हमारे पास है कुछ अट्ठारह कोल और सत्रह आयरन तो फटाफट से घर पर चलता है अब और हमें आर्मर बनाना है पहले तो यहाँ पर कुछ जानवर ज़्यादा दिख नहीं रहे नहीं तो घोड़ा वगैरह होता तो उससे लेदर ले लेते ले हैं हम तो हमें फर्नेस में डालना पड़ेगा थोड़ा सा आयरन पहले डाल देते हैं ये हमारा फूड और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा कोल ये देख रहे हो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और ये बिल्कुल कुक हो जाएगा के तो फर्नेंस में हमारा खाना तैयार है के और हमें यहाँ पे अपनी आयरन लगा देनी ये आयरन बन जाएगी जिससे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं तलवार अपना पिकैक्स बहुत सारे टूल्स वेपन्स आर्मर कुछ भी बना सकते हैं उससे और बेसिक लेवल पर आयरन काफ़ी सही है उसके बाद गोल्ड टू गोल्ड वग़ैरह तो नहीं अच्छी रहती और उसके बाद मैक्सिमम लेवल होता है मतलब डायमंड डायमंड से आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और डायमंड पे भी एनचैंटमेंट लगानी पड़ती है तो वो तो अभी थोड़ा दूर का काम है अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी फार्मिंग करनी पड़ेगी सो so इस वाले एपिसोड में मैं इतना ही रखूँगा और अगला वाला एपिसोड जल्दी आएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं अगले एपिसोड में तो